शेयर करना भाई एक बारी थोड़ा। अच्छा नमस्कार भाई, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई दीवान सर पे। देखिए भाई, इस समय पेपर होगा कि नहीं होगा, सट्टे लगा दी कोर्ट ने, वकीलों की वीडियो आई उस दार पे, सबने वीडियो बना दी, मैंने भी वीडियो बनाई, ठीक है, और स्टे लगी भी है, वकील साहब कह रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल में अभी तक कोई नोटिस नहीं आया HSSC का, HSSC का अभी तक कोई नोटिस नहीं आया कि पेपर कैंसिल है। इसका मतलब होगा, जब नोटिस नहीं आएगा तो इसका मतलब है उनको जरूरी थोड़ा कि नोटिस निकालें कि कल पेपर है। अब देखो भाई, मैं हिसार के कुछ जो सेंटर बना रखे हैं, एक देवी भवन मंदिर के अंदर सेंटर है, स्कूल है, देवी भवन स्कूल है, और एक झाजपुर जो है अपना, वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकारी स्कूल है, दोनों जगह अभी अभी विजिट करके आया हूँ भाई, ठीक है। तो वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे को, दोनों सेंटरों में पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कैमरे लग रहे हैं, ठीक है, कैमरे लग रहे हैं। वहाँ पे मेरे को एक सरदार जी मिले, सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, भाई हम कैमरे लगा रहे हैं, पूरे हिसार का ठेका हमारे पास है कैमरा लगाने का। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा फिर इन्फॉर्मेशन, बोले इन्फॉर्मेशन होती तो हम क्यों कैमरे लगाते, चलो मान लो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। फिर मैंने एक स्कूल में प्रिंसिपल से भी बात की, नाम नहीं बताऊंगा, प्रिंसिपल मैडम से बात की, प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि आधे घंटे पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि आप तैयार रहना सुबह 5:30 बजे अपने कर्मचारियों को लेकर, जिनकी इमरजेंसी सुबह सुबह आना होता है, जिनको जरूरी, तो आप वहां पे 5:30 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाना, ठीक है। तो मतलब मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम ने भी कहा कि कल तक, अभी आधे घंटे पहले तक इन्फॉर्मेशन, मतलब आधा घंटा पहले मैं गया था, उससे आधे घंटे पहले मैडम बात कर रही थी, अब से एक घंटे पहले मैडम ने कहा था कि भाई हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है पेपर होगा, बाकी सारी अफवाहें चल रही है, ना कोई नोटिस आया है, आधे घंटे पहले इन्फॉर्मेशन आई थी। फिर मैं एक सरकारी स्कूल में गया, वहां जाके पूछा, वहां मेरे को दो टीचर मिले, वीडियो बनाने से उन्होंने मना कर दिया कि हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, उन्होंने कहा कल पेपर है, हम आधी रात को यहां थोड़े नहीं मतलब बिना मतलब आए हुए हैं, और ये सेंटरों में देख रहे होंगे आप कैमरे लग रहे हैं, तो उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी। बाकी मैं दो सेंटरों में जाकर कन्फर्म करके आया हूं, वहां दोनों जगह मतलब सुविधाएं जो कैमरे की है वो चल रही थी लगाने की, और साथ में वहां पर एक आधे अध्यापक भी थे। उन्होंने कहा अभी तक इन्फॉर्मेशन है पेपर होने की, जब तक नोटिस ना आ जाए HSSC का, तब तक आप अपने जो नज़दीकी, जो आपका जहां भी रुकने का या सुबह चलने का आपका प्रोसेस रहे, आप सुबह चल पड़ना, अपने सेंटर पे पहुंच जाना, ठीक है भाई। तो पेपर होने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं, जहां तक मैंने दो सेंटरों में इशार के जाके देखा, पर्सनली गया हूं भाई दोनों जगह सरकारी स्कूल में, तो वहां पे उन्होंने यही दिया है रिप्लाई कि पेपर होगा, यहां पे कैमरे वगैरह लग रहे हैं, ठीक है। एक तो प्रिंसिपल से भी मैंने बात की, उन्होंने भी कहा कि कल पेपर है, हमारे पास अभी तक की ये इन्फॉर्मेशन है, यानी एक घंटे पहले की, मैडम ने कहा आधे घंटे पहले मैं गया था, उससे आधे घंटे पहले एक घंटा लगा लीजिए, मैडम के पास अब से एक घंटे पहले ये सूचना थी कि पेपर होगा। और एक स्कूल है भाई करनाल के अंदर, वहां पर एक बच्चों ने वीडियो बना के भेजी थी कि ये रोल नंबर लगा रखे, ऊपर नोटिस लगा रखा है कि पेपर कैंसिल, उनके पास भी फोन आ लिया, वहां से वो भी फाड़ दिया गया है कि कल पेपर कैंसिल है, कैंसिल का जो बोर्ड नोटिस लगा रखा था वो। तो भाई अब क्या प्रोसेसिंग है, कोर्ट ने स्टे लगाई है, क्या रात को उनकी कोई सुनवाई वगैरह होगी, है ना, अगर ऑर्डर मिल गए हैं कोर्ट से स्टे के, तो क्या उस पर वो सुनवाई के लिए कोर्ट से अपील की है, कोर्ट ने क्या मंजूरी दी है, और रात को क्या होगा। जब तक नोटिस ना आए तब तक, अगर लगा लीजिए सुबह तक कोई नोटिस नहीं आया, तो इसका मतलब आपको सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, तैयार रहिए, है ना भाई, जब तक नोटिस ना आ जाए तब तक भाई, ठीक है। तो दो सेंटरों में मैंने पता किया भाई, सार में दोनों के दोनों से पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि कल एग्जाम है, किसी प्रकार की उन्होंने किंतु परंतु बात भी नहीं की कि एग्जाम है। अब उन्होंने पता नहीं, क्या पता मेरे से बात छिपा ली हो, लेकिन क्यों छिपाएंगे, वो रात को भी स्कूल में आए हुए हैं और कैमरे मेरे सामने, आंखों के सामने वो लगा रहे थे, दोनों जगह मैं जाके देख के आया हूँ। तो भाई ये चीज़ें हैं, हाँ जी ये चीज़ें हैं। तो भाई आप देख पा रहे होंगे ग्रुप 56 57 का, हिसार के सेंटरों से विजिट करने के बाद बड़ी खबर मिली है,
तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है फिलहाल में। अगर ऐसा होता तो भाई तैयारियां न होती। एक स्कूल वाले नोटिस लगाया था करनाल में, उसका वहां से फड़ा दिया गया, पढ़वा दिया गया, जो भी लगा लीजिए, है ना। तो ये चल रहा है और अभी कोर्ट ने कहा है स्टे हो गई, वकीलों की वीडियो आ रही है स्टे हो गई, ठीक है, स्टे हो भी गई है ये भी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उन्होंने तरीका निकाला है गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने और HSSC ने, जिसके बावजूद भी एग्जाम ले सकते हैं वो कल, ऐसा कोई ना कोई उनका प्रोसेसिंग होगा। देर शाम तक मीटिंग का भी कहा जा रहा था कि मीटिंग भी चल रही है, लेकिन फिलहाल मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मैंने हिसार के सेंटरों में जाके पूछा, दो सेंटरों में गया हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, 100 प्रिंसिपल से भी बात की थी वहाँ के चपड़ासी से नंबर लेकर, और एक जगह दो टीचर भी मिल गए थे मेरे को, और दोनों में साथ के साथ कैमरे वाले भी लगे हुए थे। तो भाई ये चीज़ है, वो तैयारियाँ पूर्ण रूप से कर रहे हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कल पेपर कैंसिल होगा, उनके पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि कल पेपर होगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी भी आपकी। हाँ जी सर, क्या ग्रेजुएशन और प्लस टू लेवल वालों का हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस कैटेगरी ने खून पी रखा है सभी का। देखो भाई पेपर सारे ही होंगे, ठीक है, जैसे आपको पता होगा जब जब इलेक्शन आते हैं उससे पहले सारे पेपर निपटा दिए जाते हैं, चाहे पेपर आपका बाई द वे कल रात को नोटिस आ जाए ना हो, ठीक है, ना हो नोटिस आए तो ना हो, ठीक है, तो भाई आपका पेपर एक डेढ़ महीने आगे चला जाएगा, लेकिन होगा, ठीक है, पेपर तो होना ही होना है। तो भाई कल अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है ना, तो HSSC का कोई नोटिस आया, और स्कूलों में तैयारियां, सेंटरों में तैयारियां पूरी चल रही है अच्छे से। तो आपको पहुंचना चाहिए जहां भी आपका एग्जाम है, अगर आपको दूर एग्जाम है तो अपना भाई सुबह बस चल रही है, हर जगह से फ्री सेवा अवेलेबल है, ठीक है। चलिए धन्यवाद। एक कह रहा है कैंसिल है, भाई वो तो नोटिस आएगा तो पता लगेगा, लेकिन अभी जो हिसार है सेंटर, हाँ हिसार सेंटर है, यहाँ पर भाई महेंद्रगढ़ से भी आए हुए हैं, अपनी दीवान एकेडमी में रुकने की व्यवस्था कर रखी है, ठीक है, लेकिन आए थोड़े गिने चुने ही है, क्योंकि बस फ्री सेवा है, तो ज़्यादातर का मानना ये कि सुबह सुबह फ्री चलेंगे। दूसरी बात ये कि ऊपर से ये दोपहर दो तीन बजे से लग रहा है कि सटे हो गया, सटे हो गया, कुछ करके ऐसे नहीं आए, लेकिन यहाँ पर हिसार, यमुनानगर, आप महेंद्रगढ़ और यमुनानगर से बच्चे आए हुए हैं फिलहाल में, अपनी अकेडमी में ठहरे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी नज़दीक में इधर उधर भटक रहा है बस स्टैंड के पास हिसार के, तो बिल्कुल बस स्टैंड से आप लोकेशन भर लीजिए, दीवान अकेडमी, यहाँ रुकिए, आज रुकिए, कल पेपर होता है तो परसों भी रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। हाँ जी चलिए, ये इन्फॉर्मेशन थी भी मेरे पास कि भाई सेंटरों में मैंने जाकर देखा तो उन्होंने ये रिस्पांस दिया कि हमारे पास अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है कि कल पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ तक कि एक प्रिंसिपल से भी मैंने बात की, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी अफवाहें हैं। मैडम ने ये भी कहा कि मैंने न्यूज़ में ज़रूर देखी है कि पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे पास आधा घंटा पहले इन्फॉर्मेशन आई थी कि आप अपनी तैयारियां पूरी रखिए। शायद 5:30 बजे उन्होंने एक शब्द ये भी बोला था, 5:30 बजे कुछ कर्मचारियों या किसी का नाम लिया था कि उनको लेकर आप सेंटर पर पहुँच जाना, हो सकता है 5:30 बजे सुबह सुबह आके चेक करनी होती होगी ये चीज़ें अभी, ठीक है। तो जो कैमरे पंचकूला से या हिसार से या किसी भी सेंटर से लाइव पंचकूला में टेलीकास्ट होता है उनका, वो भी लग रही है स्कूलों में, रात को 1:30-2 बजे तक काम होगा उनका भी, अभी भी काम चल रहा था दोनों सेंटरों में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है भाई, प्लीज़ पेपर होना चाहिए, ठीक है भाई। वो देखो अपने हाथ में नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यू आर राइट सर, होगा एग्जाम। देखो अभी तक ये है, मैंने कहा था मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, मैंने सेंटरों में जाकर विजिट किया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल आपका पेपर है, वो उन सेंटरों के अकॉर्डिंग तो हो रहा है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि नहीं हो रहा, तैयारियां पूरी जोर शोर से उनकी चल रही है भाई, ठीक है। अब आधी रात को मेरा लाइव आने का उद्देश्य, क्या मैंने कोई कोर्स का जिक्र किया, क्या कोई ऑफलाइन का जिक्र किया, नहीं किया, क्या किताब का जिक्र किया, नहीं किया, किया भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ उद्देश्य यही था कि भाई कोई ऐसा बंदा ना रह जाए जिसने वीडियो देख ली, स्टे हो गया और एग्जाम सेंटर पे ना पहुंचे, वो उसके जिम्मेवारी है। कई कह देंगे आपने ही वीडियो बनाई, हमसे पहले तो वकीलों की वीडियो आ गई वहां से, ठीक है, वकीलों ने कहा, वकील आपने सुना होगा लगभग सारे वकील, चाहे रविंद्र ढुल जी हो, है ना, रजत मोर वकील हो, या एक दो
और वकील की वीडियो आ रही है, आप यूट्यूब पे देखिए। उन्होंने कहा हमारे हिसाब से कोई चांसेस नहीं लग रहे एग्जाम के, रात को कोर्ट खुलाकर अगर ये ऑर्डर लेते हैं तो बात अलग है, ठीक है। तो क्या पता ये प्रोसेसिंग चल रही हो, स्टे जरूर आ गया। देखो स्टे हटाने के सरकार के पास तरीके क्या है, कैसे हट सकता है स्टे। देखो पहले हाईकोर्ट के अंदर एक फर्स्ट बैच में ये सुनवाई थी, सेकंड बैच में सुनवाई होगी, फिर आए सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाया जाता, ठीक है। तो ये चीजें हैं, क्या पता अंदर ही अंदर सरकार और HSSC ऐसा कर रही हो रात को, हो सकता है तभी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाया तो क्या पता देर रात को नोटिस आ जाए कि कल एग्जाम नहीं भी होगा, ठीक है। तो नोटिस आने से पहले विश्वास ना कीजिए, अपने जहां भी एग्जाम है सुबह अपना 4-5 बजे 3 बजे 2 बजे का जाने का, तो सुबह उठकर एक बार वीडियो देख लेना, आपके पास जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आई हुई मिलेगी। मेरे पास अगर रात को 2 बजे भी कोई नोटिस आता है तो भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, जीके भाई दीवान सर सर्च करके देख लेना कि आया है कि नहीं आया। अगर सुबह 2-3 बजे नोटिस ना आए, यूट्यूब पे कोई वीडियो ना मिले, तो आप समझ लेना अपने सेंटर पे पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहे आपका पंचकूला हो, यमुनानगर हो, हिसार हो। धन्यवाद।